तो फ्रेंड आज बारिश बंद हो गई है और 2 बजे के बाद हमारे यहाँ धूप निकल गई। तो देखिए ये हेलिकोनिया का प्लांट गिर गया था जिसका फ्लावर मैंने कट कर दिया और ये मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। और दोस्तों ये है मेरा ये छोटा सा जिसमें मैं देखिए प्लास्टिक का डब्बा, छोटे गमले और पीछे साइड मैंने स्पाइडर को बोतल में लगाया। तो इस तरह भी आप छोटे छोटे कंटेनर, वेस्ट मटेरियल में छोटे छोटे पौधे लगा के आप कम जगह में भी अच्छी सी गार्डनिंग कर सकते हैं दोस्तों। और काफ़ी अच्छा, हेल्दी और काफ़ी समय तक चलता है। ये देखिए छोटे से बोतल में ये मेरा क्रश हुआ बेटा और काफ़ी अच्छा चलता है। बस पोटिंग सॉइल अच्छा बनाइए। और ये देखिए, और ये देख, माफ़ कीजिएगा मुझे खांसी हो जाती है। और ये देखिए टर्टल वाइन का एक खूबसूरत, और इसे मैंने एक बड़ा सा जो लिक्विड शॉप रहता है उसके बोतल में लगाया और काफ़ी ज़्यादा हेवी भर गया है। ये देखिए मैंने हाथी का सेब दिया था, ये उस सूंड नज़र आ रही। इस तरह भी वेस्ट मटेरियल से प्लास्टिक बोतल ये सब में भी आप छोटे छोटे प्लांट लगा के आप कम स्पेस में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर सुंदर प्लांट्स लगा सकते हैं। तो ये देखिए टर्टल माइन, जिसे मैंने 30 रुपये के बजट में लगाया है और काफ़ी अच्छा दिखता है ये एज ए हैंगिंग। और अगर आप ज़मीन में लगा रहे थे इसे थोड़ा ऊंचा सेप दीजिए ताकि जो इसके प्लांट्स हैंग होते हैं वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। 1 लीटर बोतल में ये मैंने देखिए कोलियस लगाया था, ये भी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। और उसी के पीछे ब्रह्म कमल का प्लांट है, ये स्पाइडर। तो दोस्तों आज मैं आप लोग के साथ एक अच्छा वीडियो शेयर करूँगा दोस्तों। उस फ्लावर्स का नाम है फुटबॉल लिली, जिसे मई फ्लावर भी कहते हैं, जो मई जून और जुलाई के महीने में खिलते हैं। तो ये देखिए जेट प्लांट है, मैंने इसके बोनसाई सेब दिए हैं, पत्ते कम हैं लेकिन काफ़ी अच्छे दिखे हैं। तो ये रहा मेरा फ्रेंड लिली, लिली फैमिली से आता है और ये फुटबॉल है। उसी के बगल देखिए गणेश बेल भी है, काफ़ी अच्छा हो रहा है, जिसे साइप्रस वाइन भी कहते हैं। और देखिए कितने ज़्यादा बर्ड्स बन रहे हैं नए नए। और दोस्तों बारिश होने के बाद हर प्लांट में एक नई चमक, एक नई रौनक आ जाती है और ग्रोथ तो उनकी देखते बनती है। वो ग्रोथ बहुत अच्छा करते हैं, बारिश की पहली बूंदें जो भी पड़ते हैं तो काफ़ी अच्छा होती है। और ये देखिए 2 को पहला खिल गया है और करीबन 10-11 को कलियां बनी हुई हैं जो आने वाले वक्त में गिरेगा। तो दोस्तों ये एक परमानेंट प्लांट है, इसका बल्ब होता है कंदा जैसा होता है, प्याज की शेप में सफ़ेद कलर का रहता है। आप इसे ऐसी जगह लगा दीजिए जहाँ पर ये थोड़ी सी मॉइस्चर बनी रहती है, हल्की मॉइस्चर, जहाँ पर ये धूप इसे मॉर्निंग के टाइम में मिले और दूसरी पहर की जो धूप रहती है हाट वो उसे नसीब ना हो। और इसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं रहती है और ना ही खाद की आवश्यकता होती है। लेकिन हाँ, अगर आप छोटे से कंटेनर में लगा रहे हैं तो पोटिंग सॉइल वेल ड्रेन बनाइए, और हमारे किचन वेस्ट निकलता है जो अच्छे से डिकम्पोज हो गया उससे मई महीना की शुरुआत में आप दे सकते हैं एज अ फर्टिलाइज़र। तो ये जैसे मई महीना ख़त्म होने लगता है और पानी की नई बौछार इस पर पड़ती है, बारिश का सीज़न शुरू होने लगता है, तो ये कलियाँ ये फ्लावरिंग करना शुरू हो जाती हैं और इसके फ्लावर काफ़ी दिनों तक बने हुए रहते हैं। और जैसे जैसे बरसात आता है इसमें नई पत्तियां फूल झड़ जाते हैं और नई पत्तियां निकल आते हैं, और जैसे जैसे ठंड का मौसम आता है ये डोरमेंसी में चला जाता है, ये गायब हो जाता है पूरा प्लांट। फिर नेक्स्ट ईयर में काफ़ी ज़्यादा ढेर सारा ये फ्लावरिंग करता है। तो आप इसे एक कंद लगाएंगे तो कई सालों तक चलता है और धीरे धीरे इनकी संख्या में भी वृद्धि होने लगती है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा फ्लावर है और इसके फ्लावरी और फ्लावर्स जो होते हैं काफ़ी दिनों तक टिके रहते हैं। तो जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।